1932 का जो वादा था, जो एक अहम भावना था झारखंड का, वो एक ऐसा आग जिसको आज तक किसी भी पार्टी ने जो भी छूने का कोशिश किया है वो जला है, वो व्यक्ति जला है, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ लाने का कोशिश किया, पारित भी किया हमने, वो जाके वहाँ पे अटक गया। क्यों अटका? क्योंकि 9th स्केड्यूल में उसे भेजा नहीं गया। आप जो तमिलनाडु में हुआ उस केस को आप उठा के देख लीजिए, किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ये से सिंक्रनाइजेशन से वहाँ पे लोगों को 80% का रिजर्वेशन मिला, ज़्यादा से अधिक रिजर्वेशन मिला। वही हम यहाँ पे चाहते थे कि 1932 स्थानीय नीति लागू हो, तो वो चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि जो सरकार जो गवर्नर है वो उसे 9th स्केड्यूल में, जो पूर्ववर्ती गवर्नर थे वो उसको 9th स्केड्यूल में भेजना नहीं चाहते थे। ये सब चीज़ इनकी स्ट्रैटेजी है, मगर आज भी मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि ये जो भी नीति आएगी, नियम वाली आएगी रिक्रूटमेंट के लिए, वो एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट है। 1932 हम किसी भी हालत में लागू करके रहेंगे। धन्यवाद। नहीं, क्यों जाएगा कोर्ट में? हमारे प्राथमिकता है लोगों को रोजगार देना, झारखंड के लोगों को रोजगार देना। 60% यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी में नौकरियाँ रिजर्व्ड है, सील्ड है। 40% को भी हम भाषा के आधार पे, कक्षा के आधार पे यहाँ के लोगों के लिए सील्ड रखेंगे। और ये आने वाले समय में आप लोगों के ही इंटरव्यू में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, जब आप लोगों ने नियोजन नीति के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम शुभकामनाएं देते हैं, तो शुभकामनाएं के इंतज़ार करिए कि इसका मतलब क्या है। कहाँ खोले संकल्प लेटर कहाँ निकला है अभी तक? दिखाने बोलिए ना, उनको बोलिए ना दिखाने के लिए, कहाँ से 60-40 बोल रहे हैं उनको बोलिए ना दिखाने के लिए, उनको पहले बोले। उनका ये मुद्दा है, उसको ये मुद्दा बना रहे। आप लोग भी पत्रकार हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत करें। अगर कोई कुछ बोलता है तो उनको तथ्य पूछे। अगर वो 40% बाहरी के लिए बोल रहे हैं तो बोले सरकार का संकल्प लेटर दिखाइए कि कहाँ सरकार बोली है 40% बाहरियों के लिए, आप लेकर आइए, उसमें हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री एक गंभीर पद में है, किसी के भी बोलने से आके वहाँ पे बस बोलने लगेंगे ये बात सही नहीं रहेगा उनके पद के लिए भी। इंतज़ार करिए, मेरे बात सुनिए। 23 तारीख तक सदन चल रही है, वो अपने हिसाब से जवाब लेके आएंगे, हम सभी को इंतज़ार करना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।